नौकरी नहीं मिलता है तो रिक्शा चलाते हैं। आप नौकरी की तलाश किए, ढूंढने का प्रयास किए कि नहीं? तो रिक्शा चलाते हैं तो नौकरी वोकरी नहीं करने का प्रयास किए? प्रयास किया है लेकिन नौकरी नहीं मिलता है, दूसरा क्या करे। कितना बार ट्राई किया नहीं मिला, दूसरा इसी रिक्शा चला के घर में। नौकरी खोजने का प्रयास किए नहीं मिला, तो नहीं खाएंगे तो नहीं खींच पाएंगे। कहाँ खींच पाएंगे, पेट्रोल पर थोड़े चलता है, खून पर चलता है, पेट्रोल पर थोड़े चलता है। लड़की लोग रोड पर दौड़ा दिया, मेहरारू लोग मैडम बना दिया। नेपाल भी जाते हैं आप लोग? हाँ, नेपाल जाते हैं, 120 रुपए मिलता है, 100 रुपए मिलता है, 150 रुपए नेपाली मिलता है। नेपाल जाते हैं लोग तो नेपाल की पुलिस पकड़ती नहीं है? हम भी गए SSP के बहाली में, सब चीज में हमारा पूरा एकदम रेडी हो गया, हमारा नौकरी कट गया। नौकरी हो गया रहता तब तो आज भौकाल में रहते। हाँ, बहुत ज्यादा। आगामी 2 महीने के बाद भारत में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। चुनाव की तारीखों का लगभग ऐलान कर दिया गया है। देश के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, और खास करके जो ठेला चलाने वाले हैं, जो रिक्शा चलाने वाले हैं, वो लोग क्या सोचते हैं, प्रधानमंत्री के पद के दावेदार कौन है, किनको लाना चाहिए इस बार मौका। क्या नाम है आपका? सागर। सागर, सागर जी आप क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा, ये रिक्शा आपका है? मेरा है। अब ये बताइए, आप नौजवान हैं, आप नौकरी नहीं कर सकते हैं कि रिक्शा चला रहे हैं? अब नौकरी नहीं मिलता है तो रिक्शा चलाते हैं। आप नौकरी की तलाश किए, ढूंढने का प्रयास किए कि नहीं? प्रयास नहीं किए हैं। तो आप पहले नौकरी ढूंढे होते, नहीं मिलता तब ना रिक्शा चलाते हैं? सही बात है। अब ये बताइए कि रिक्शा क्यों चलाते हैं और कोई काम क्यों नहीं करते हैं आप? क्या अच्छा खासा कमा लेते हैं इसमें? नहीं, अच्छा खासा मजदूरी कमाते हैं, 300-400 रुपया हो जाता है। अच्छा, अब ये बताइए, 2 महीने के बाद प्रधानमंत्री का चुनाव है, मोदी जी या कोई और, कोई और आना चाहिए कि मोदी जी को फिर से लाना चाहिए? मोदी जी फिर आएगा। मोदी जी तो मोदी जी तो आपको रोजगार दिए नहीं, आप तो रिक्शा चला रहे हैं ना, रोजगार क्या देगा महाराज? रोजगार कोई नहीं देता है, अपना मन का अथी है ना, रोजगार खाली वादा करेगा, रोजगार ना देगा जी भैया, ये तो बात सही है। आपका क्या नाम है भैया? हमारा मनोज विश्वकर्मा। रिक्शा चलाते हैं? हाँ, रिक्शा चलाते, रिक्शा चलाते हैं तो कब से रिक्शा चलाते हैं? हम 1 साल से। 1 साल से तो रिक्शा चलाते हैं तो नौकरी वोकरी नहीं करने का प्रयास किए? प्रयास किया है लेकिन नौकरी नहीं मिलता है, दूसरा क्या करे, नौकरी नहीं मिलता है। तो आप नौजवान है, युवा है, घर के लोग आपको ये नहीं कहते कि जाइए नौकरी करिए? कितना बार ट्राई किया नहीं मिला, दूसरा इसी रिक्शा चला के घर में। नौकरी खोजने का प्रयास किए नहीं मिला तो रिक्शा चलाते हैं? तो रिक्शा चला करके दिन भर में आप कितना रुपया कमा लेते होंगे? 800-900, मतलब इतना तक कभी कभी हो जाता है? कभी कभी। तो ये बताइए कि इतना पैसा कमा करके आप संतुष्ट हैं कि आपको लगता है कि नौकरी करनी चाहिए? नौकरी करना चाहिए, दूसरा। नौकरी नहीं मिला आपको अभी तक? नहीं मिला। तो 1 साल से इसी जगह रिक्शा चलाते हैं? देखिये, कुछ और लोग हैं, उन लोगों से बात करना भी जरूरी है। आपका क्या नाम हुआ? संतोष पांडे। संतोष जी, कितना दिनों से रिक्शा चलाते हैं? हम चला रहे हैं 10-15 साल से चला रहे हैं। 10-15 साल से। तो प्रधानमंत्री के लिए मोदी जी सही हैं या कोई और, किसी और को मौका देना चाहिए कि नहीं, या मोदी जी को फिर से लाना चाहिए? मोदी जी फिर से आएंगे। मोदी जी सही हैं? हाँ, सही हैं। तो देश को सही तरीके से चला रहे हैं? सही तरीके से चला रहे हैं। लोग कह रहा है कि मोदी जी सब कुछ बेच रहे हैं, ट्रेन को बेच दे रहे हैं, सामान सब बेच दे रहे हैं। अब कोई पता नहीं है क्या बेच रहे हैं नहीं बेच रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में लोग को तो सहायता दिए है ना। तो सब कोई दिल्ली से बिहार पैदल आया है, तो कहाँ सहायता मिला? पैदल आया, गाड़ी से भी तो आया, गाड़ी से भी तो लाया गया ना। गाड़ी से तो भी आया आदमी। आप कोरोना में आप कहाँ थे? हम अपने घर पे थे। आप अपने शहर में थे? जी। आप कहीं बाहर नहीं थे? नहीं, बाहर नहीं थे। अच्छा, रिक्शा चलाते हैं, डेली कितना तक कमा लेते होंगे? कभी 200 हो जाता है, कभी 300 हो जाता है, हाईएस्ट से हाईएस्ट 500 होता है। मतलब कभी कभी 500 होता है? हाँ, कभी कभी 500 होता है, 700-500, 1000 तक भी होता है। अच्छा, बैटरी वाला आपका क्या नाम? एक मिनट सुनिए, सुनिए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुनील कुमार। सुनील जी, आप युवा है, आप तो मेहनत मजदूरी करके रोजी रोटी तो कमा ही सकते हैं। सही बात। रिक्शा क्यों चलाते हैं? रिक्शा हम लोग नहीं चलाते, हम लोग घोड़ा गाड़ी चलाते हैं। घोड़ा गाड़ी आप? जी। तो घोड़ा गाड़ी चलाते हैं तो उससे संतुष्ट हैं आप? कहाँ संतुष्ट हैं, लोग बाल बच्चे का परवस्ती नहीं हो रहा है, तो संतुष्ट कहाँ से हैं? आप शादीशुदा हैं? जी। तो शादीशुदा हैं तो कब से घोड़ा गाड़ी चलाते हैं? हम तो लगभग हो गया मेरा 15 साल। 15 साल से हम चला। कितना उम्र के थे तो चलाते थे? बहुत छोटे उम्र से चला रहे हैं, गरीबी था, हालत था, क्या करे लोग, बाल बच्चा के जियाना, घर के परिवार के भी जीना चाहिए ना। तो मम्मी पापा भी आपके? हाँ, सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर? सब हमारा ही जिम्मेदारी है। तो नौकरी वोकरी नहीं करना है आपको? नहीं, नौकरी नहीं करना, नौकरी करने से क्या फायदा है, हम लोग वही गरीब आदमी है, लोग कमा के खाने में बहुत सुकून है लोग। नौकरी क्यों? पढ़े लिखे नौकरी करना क्यों है? ये नहीं है लोग, कहाँ से नौकरी मिलेगा? आप ही बोलिए,
अगर पढ़े लिखे नहीं है तो नौकरी कहाँ बिहार में कोई कंपनी कोई फैक्ट्री नहीं कहाँ है देखिए ना आप ही देखिए ना कोई कंपनी कहाँ है कुछ नहीं कहाँ है कुछ नहीं है हम लोग ये रिक्शा कंपनी रहता तो 60 रुपया बनियारी होता ना 200 बनियारी होता रोजी रोटी तो रोज के होता ना अब इसमें तो कोई गारंटी नहीं है कि 200 कमाए लो कि 250 कमाए लो कि 500 कमाए लो कि 1000 कमाए लो कभी कभी वो भी नहीं होता भी नहीं होता है तो घोड़ा का भी खर्चा है कभी कभी वो भी नहीं होता है 150 रुपया का घोड़ा का खर्चा है अब बताइए अब पहले घोड़ा का खिलाएंगे लोग कि बाल बच्चा खिलाएंगे वो तो अलमोटा धन है खाएगा तभी ना अगला दिन कमाएगा वो वही बात है भैया तो ये बताइए प्रधानमंत्री का चुनाव आ रहा है मोदी जी या कोई जी के रखिए एक नंबर है मोदी जी तो मोदी जी रोजगार नहीं दिए ना आप तो कर रहे वही ना देंगे लोग यहाँ साल में कहा सुनेंगे लोग तो नौकरी देना चाहिए हम लोगों को नौकरी देना चाहिए गरीब को देखना चाहिए गरीब जब उनके लिए मर रहा है तो गरीब के लिए कुछ करे कुछ बनाए तो 10 साल से मोदी जी है सरकार में अपने देश के प्रधानमंत्री 10 साल से देश को चला रहे हैं तो 10 साल में अभी तक आपको रोजगार नहीं मिला नहीं, लगता नहीं है कि फिर से आएंगे तो मिलेगा यही सब लोग कह रहे हैं सब लोग तो यही कह रहे हैं जो मिलेगा रोजगार मिलेगा इसी आशा पर लोग बैठे हुए हैं तो फिर से मोदी जी आएंगे अब क्या पता अब हम तो नहीं जानते हैं जो आएंगे आपके हिसाब से क्या मोदी जी को आना चाहिए कि किसी और को मोदी जी को आना चाहिए मोदी जी आएंगे मोदी जी और कोई नेता मंत्री ना है अब कोई नेता मंत्री है तो सब तो अपना अपना देखता है कौन किसको देखता है कोई तो अपना कमा के खाता है कोई किसी को थोड़े ही दे देता है कोई भी जीतेगा तो आपका उससे कुछ भला नहीं होगा कुछ भला नहीं होगा भला होने वाला रहता तो रिक्शा चलाते हैं हम तो रिक्शा अभी देख रहे हैं सब लोग रिक्शा लगा के बैठल है कहाँ है सवारी ना मिल रहा है कहाँ अभी कोई ट्रेन का टाइम नहीं हुआ है सवारी नहीं मिल रहा है कर्फ्यू लागू है स्टेशन से ही आप लोग सवारी उठाते हैं जी मान लीजिए बैटरी वाला रिक्शा आ गया तो उससे आप लोगों को तो काफी परेशानी बढ़ गया बहुत ज्यादा परेशानी है सब सवारी तो उसी से चल जाता सब सवारी उसी से चल जा रहा है परेशानी हम लोगों का बहुत ज्यादा हो गया पास तो पैसा है नहीं कि बैटरी आया नहीं दिन भर के बीच में आज कमाए हुए हैं 200 रुपए कमाए हुए हैं उससे क्या होगा घर परिवार चलेगा कि रिक्शा किराया दिया जाएगा सारी जिम्मेदारियां उसी 200 में चलाना है उसी 200 में चलाना है बाल बच्चे भी होंगे बाल बच्चा है तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता है कि यार हमको कुछ और करना चाहिए रिक्शा क्या चला रहे हैं करने का दिल तो बहुत कुछ करता है लेकिन हमारे पास में पैसा रहेगा तब ना कोई रोजगार करेंगे पैसा तो है नहीं तो रोजगार कहाँ से करेंगे सर हम पैसा भी चाहिए रोजगार के लिए पैसा भी चाहिए रोजगार के लिए तब ना रोजगार कोई करेगा पैसा तो गरीब आदमी को है चाय लाए आप जी ये भी सोच करके पीना पड़ता होगा कि पियेंगे तो 10 रुपया जाएगा जी ये भी चाय है 6 रुपया का चाय है देखिए कितना बड़ा चाय दिया हुआ है 6 रुपया का चाय है ये थोड़ा सा वो आधा दिया है कपो नहीं भरा है कपो नहीं भरा है 6 रुपया का चाय है तो ऐसे दिन भर में 2-3 कप पीते होंगे बेसी हो जाता है 4 कप हो जाता है 4-5 कप तो सुबह में खाना खा के आते होंगे जी सुबह में खाना रात को जाएंगे तो खाएंगे जी फिर रात में कुछ नहीं खाते हैं दिन में क्या खाएंगे कुछ नहीं मिलता है खाने के लिए कमाते हैं तब खाते हैं नहीं कमाएंगे तो जो कमाएंगे वो खा लेंगे तो फिर घर क्या लेके जाएंगे घर लेके जाते हैं जो अपना बस्ता है खा पी कर रिक्शा किराया दे के जो 100-150 रुपया बस्ता है 200 बस्ता है वो लेके जाते हैं घर तो घर की आपकी पत्नी नहीं पूछती है कि आज 200 क्यों कमाए 500 क्यों नहीं कमाए पूछती है तो आप क्या जवाब बनिहारी कीजिए तो बनिहारियों में तो है जो एक दिन मिलता है एक दिन नहीं मिलता है 2 दिन नहीं मिलेगा एक दिन काम मिला तो 400 हो गया 2 दिन नहीं मिला तो बराबर हो गया मैंने एक दिन करिए तो 2 दिन बैठिए जी रिक्शा में 100-200 रोज कमा लेते हैं हाँ रिक्शा में रोज हो जाता है 100-200, 250, 300 यही हो जाता है इसमें मेहनत ज्यादा है पैसे मेहनत तो बहुत ज्यादा है इसमें उसके बाद से कोई गाड़ी वाला इधर सटाता है तो वो गुस्सा करता है सब गुस्सा करते हैं सब लोग तो रिक्शे वाले पे गुस्सा करते हैं कोई भी तो रिक्शे वाला के आके गुस्सा दिखाता है अब क्या करें हम लोग गरीब आदमी है अपना चुपचाप रहते हैं सह के रहते तो मोदी जी को वोट देंगे तो लगता है कि फिर से आपको रोजगार मिलेगा कि बस ऐसे ही रहे हाँ वही देख रहा है जो बोले हुए हैं जो हम सारे आदमी को नौकरी देंगे सब चीज देंगे कहाँ कुछ कोई मिल गया है गरीब आदमी को कुछ नहीं मिला है तो देख रहे हैं जो अपनी बार लोग क्या कर रहे हैं 10 साल में तो कोरोना वायरस चलाया उसको तो राज चलाने का भी नहीं मिला 10 साल में तो कोरोना वायरस आ गया लॉकडाउन आ गया सब इस में आ गया अभी मोदी सरकार का तो मौके नहीं मिला धरती हिलने वाला लगा उसको मौके नहीं मिला देश चलाने का इसका बाद जीतेगा तो देश चलाएगा अच्छा से यानी कहीं ना कहीं भैया का साफ तौर पे कहना है कि मोदी जी को फिर से आना चाहिए उसके बाद से देश को अच्छे से चलाएंगे पहले आप अपना नाम बताइए प्रेमनाथ राम अभी रिक्शा चलाते हैं जी कि घोड़ा गाड़ी चलाते हैं नहीं रिक्शा चलाते हैं रिक्शा खींचते हैं हाँ। तो रिक्शा खींचने में बड़ी मेहनत होगा बहुत ज्यादा मेहनत है तो सुबह एक बार खा कर आते हैं तो शाम तक खींच लेते हैं नहीं बीच में नाश्ता करना पड़ता है
तो जो कमाते हैं उसमें से खाना पड़ता है। हाँ, उसमें खाना पड़ता है। अगर नहीं खाएंगे तो नहीं खींच पाएंगे। कहाँ खींच पाएंगे, पेट्रोल पर थोड़े चलता है, खून पर चलता है, खून बनेगा। हाँ, तो मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं का? मोदी जी का तो अभी राज चलाने का मौके नहीं मिला। हाँ। उसमें धरती हिलने लगा। हाँ। लॉकडाउन लग गया। हाँ। उसमें फिर नोटबंदी हो गया, उसी में हैरान हो गए मोदी जी। हाँ। मोदी जी उसी में हैरान हो गए। इसका बाद आएंगे, जीतेंगे तो राज चलाएंगे। तो नोटबंदी तो मोदी जी ने किए थे। हाँ, तो नोटबंदी नहीं करते तो इतना लोग कोरोना वायरस में नहीं बंद होता, संभालवे नहीं करता। बंद हो गया, बंद हो गया, ट्रेन बंद हो गया, घोड़ा गाड़ी बंद हो गया, आराम से लोग अपना अपना जगह पर अस्थाई बैठ गया। बस जो उन काम होने वाला था वो होने लगा। नोटबंदी से कुछ फायदा हुआ कि नहीं? फायदा हुआ नहीं। हाँ। बड़ा बड़ा काला धन वाला लोग का रिकलवा दिया, बाहर करा दिया, तब उसका अपना जो काम किया जो सही है किया। अच्छा, राहुल गांधी को जानते हैं कि नहीं? हम तो नहीं जानते, बाकी किसी नेता मंत्री को जानते हैं कि नहीं? नीतीश कुमार को जानते हैं? हाँ, नीतीश कुमार को तो जानते हैं, लालू यादव के जानते हैं। हाँ। कांग्रेस के जानते हैं, हाथ छाप को। तो उसी के मालिक हैं राहुल गांधी। हाँ, इंदिरा गांधी। हाँ, राहुल गांधी, वो सब हम लोग नहीं जानते हैं। कांग्रेस को वोट नहीं दीजिएगा? देंगे, काहे नहीं, हाथ छाप कर देंगे। हाथे छाप से तो पूरा दुनिया अभी चल रही है। देंगे या राहुल कांग्रेसों को देंगे? अब जो अच्छा लगेंगे, जो पसंद लगेंगे, जो काम करने वाले होंगे, देश चलाने वाले होंगे, उसको दिया जाएगा। नीतीश कुमार को कहाँ दिया जाएगा? नीतीश कुमार को तो लड़की लोग का रोड पर दौड़ा दिया, मेहरारू लोग का मैडम बना दिया, एकदम बिल्कुल काम एकदम गलत कर दिया। क्या मैडम को क्या बना दिया? मेहरारू लोग का मैडम बना दिया स्कूल का। हाँ। लड़की लोग का इतनी कर दिया, साइकिल पर घुमाने लगा बाहर। तो भाई जब साइकिल देंगे तो साइकिल पर लड़की घूमेगी नहीं? किस तरह घूमेगी? हाँ। उसको आना है क्लास में, क्लास में से जाना है पैदल, तो साइकिल पर थोड़े घूमेगी। तो कैसे घूमेगी? मोबाइल चल गया है, हेलो बाय टैटो हो रहा है। हाँ, उस लोग का, लड़की लोग का, स्कूल पढ़ने जा रही है तो यह हेलो आइए लवर जी यहाँ पर आइए, मतलब पहले ही सब सेट हो जा रहा है। कहीं ना कहीं भैया जो है कि नीतीश कुमार से काफी ज्यादा नाराज हैं। नीतीश कुमार जो है कि लड़कियों को साइकिल दे करके गलत कर दिया ना जी? मेहरारू का रोड पर लिया दिए तो। अच्छा, तो आपकी वाइफ नौकरी उकरी ना करती है? बाकी सबको तो नौकरी दिया है। नहीं नहीं करती है, नौकरी में गई थी, एडमिशन कराई थी मास्टर का नौकरी में। हाँ। हरजन स्कूल जो खुला हुआ है। हाँ। उसमें नौकरी उसका नहीं मिला। अच्छा। हाँ, वो एडमिशन किए थी नौकरी का। हाँ। उसका नौकरी नहीं मिला हुआ। तो आप है ना नौकरी नहीं कर रहे तो आप तो चला रहे घर का खर्चा? हाँ, हम तो चला रहे हैं, हम तो खर्चा। कब तक रिक्शा चलाइए? जब तक जवानी है, जांगर है, तब तक। जब तक जवानी है, जांगर है, जब तक कमा रहे हैं, खिला रहे हैं, बैठ जाएंगे तो ही अपना घर पर रहेंगे। लड़का लोग है, देखेगा लो तो देखेगा, ना तो अपना जो रोजगार होगा वो करेंगे। सवारी आता है तो उसको पकड़ के बैठाना पड़ता है ना? तो घसक जाता है? नहीं, हम रिक्शा लेकर जाते हैं स्टेशन पे। उधर से निकलते हैं लोग, बोलते हैं बीरगंज जाना है, रसकौल जाना है, उसी जगह से बैठा कर 50 रुपया 60 रुपया में हम लोग ले जाते हैं। तो नेपाल भी जाते हैं आप लोग? हाँ, नेपाल जाते हैं, 120 रुपया मिलता है, 100 रुपया मिलता है, 150 रुपया नेपाली मिलता है। नेपाल जाते हैं लोग तो नेपाल की पुलिस पकड़ती नहीं है? नहीं, नेपाल का पुलिस नहीं पकड़ता है। भारत की पुलिस, वहाँ पुलिस रहता है? सब पुलिस रहता है बॉर्डर पे। अच्छा, नेपाल में शराब चालू है? हाँ, शराब चालू है नेपाल में, इंडिया में बंद है। इंडिया के प्रशासन बहुत टाइट है शराब के लिए। अच्छा, उधर से आएंगे तो शराब पहले चेक होगा आपका? हाँ, चेक होगा, मुंह महकेगा, पकड़ कर भीतर बंद हो जाएगा। पीते हैं कि नहीं? ना, हम नहीं पीते, नहीं पीते। सही बताइए। हम नहीं पीते हैं, पूछ लीजिए, इतना रिक्शा ड्राइवर है लोग, किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, हम शराब नहीं पीते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार को लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार पलटी मार देते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी लालू के साथ? ना, तो हम नहीं बता सकते हैं, ना पता है। नहीं, ये दिन भर में कितना कमा लेते हैं? 200-250 खर्चा चल जाता है उतना में? खर्चा नहीं चलता है, रिक्शा वाला ले लेता है 120 रुपया जो बचता है, जो हम लोग किराए का है। जी सर, आपका नहीं है? अपना रिक्शा नहीं है, किराए का रिक्शा। जो कमाएंगे उसमें से कितना रिक्शा को दे देंगे? 200-200 रुपया नेपाली ले लेगा, 120 रुपया इंडियन ले लेगा। तो उसको पहले उसरा दे देना है? उसको पहले दे देना है उसको, जो बचेगा फिर आपका है? आपका अपना बचे तो बचे, ना तो उसको पहले देकर अपना क्लियर करो। मान लीजिए किसी दिन 50 को नहीं कमाए तो फिर तो माइनस में हो जाएगा ना? हाँ, तो माइनस में हो जाएगा, तो फिर कल कमा कर उसको देना पड़ेगा पूरा। तो देना है? देना है, अगर रिक्शा लाए तो देना है? देना है, कमाए चाहे ना कमाए, रोज देना है उसको पैसा। वो तो मालिक नहीं समझेगा जो हाँ हमारा रिक्शा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तुम बैठा कर पैसा दो चाहे चला कर दो, मगर रोज देना है उसको। तो भारत के 120 रुपया देना है? हाँ। नेपाल का 200 रुपया देना है? नेपाल का रिक्शा लाए हैं जी, इंडिया में चला रहे हैं जी।
फिर इंडिया का रिक्शा नेपाल में भी जाएगा? हाँ, जाता है। तो रोज ले जाकर जमा कर देते हैं कि रोज अपने पास रखते हैं? नहीं, रोज ले जाकर जमा कर देते हैं। तो मोदी जी को जानते हैं? हाँ, मोदी जी तो कभी देखे हैं? कभी देखे कि नहीं मोदी जी को? हाँ, मोबाइल सोबाइल में तो देखे किए हैं। बड़ा वाला मोबाइल रखे हैं? हाँ। लड़का रहे, देखिए आप लोग बड़ा वाला मोबाइल चला सकते हैं तो लड़की नहीं चला सकती है? लड़की का चलाने का हक नहीं ना। लड़की फिर कहे नहीं, लड़की सब ट्रेन चला रही है, लड़की हवाई जहाज चला रही है, लड़की बस ट्रक चला रही है, तो क्या मोबाइल नहीं चला सकती? उसका है? उसका सरकार उसका इति दिया है तब न चला रही है नौकरी। नहीं, मोबाइल भी दिया? नहीं दिया। मोबाइल पहले नहीं चलता था तो नौकरी लोग को नहीं मिलता था। हम भी गए SSP के बहाली में, सब चीज में हमारा पूरा एकदम रेडी हो गया। एक दस्तखत करने के लिए हमारा नौकरी कट गया, एक वर्ल्ड का नौकरी में हमारा कट गया। SSP की नौकरी में? हाँ, SSP का बहाली में, पथारी नहीं है वो रसकोल का, उसी में हम लोग गए थे बहुत दिन का पहले। हाँ, सब हाई टाइट थरपे में, बॉडी सॉडी सब ठीक रहे, मगर एक वो सिग्नेचर करे में गड़बड़ा गया। हाँ, इंग्लिश का सिग्नेचर में हम गड़बड़ा गए, हिंदी तो जानते हैं। हो गया रहता तब तो आज भौकाल में रहते। हाँ, बहुत ज्यादा एकदम चलाते। हाँ, वहाँ बॉर्डर पर सीमा पर खड़े रिक्शा खरीद के चलवाते हैं। चलवाते कि एकदम हमारा फुर्सते नहीं मिलता वहाँ रहते सरकार का, लेकिन नसीब का खेला गड़बड़ा गया। गड़बड़ा गया, क्या कीजिएगा। खाना वाना खाए कि नहीं अभी? हम खाना खा चुके हैं, 5 बज रहे हैं। खाना वाना सब खा चुके हैं, नाश्ता पानी भी कर लिए। अभी 5 बज रहा, अभी कोई ट्रेन आएगी कि नहीं? आएगी, सत्याग्रह आएगी, तो उसमें कुछ सवारी हो सकता है, मिल जाए? हाँ, सवारी मिल जाए भगवान के। अब बैटरी वाला रिक्शा आने से कुछ परेशानी है? परेशानी हो गया है बैटरी वाला आने से, उससे सवारी नहीं मिल पा रहा। नहीं मिल पा रहा है, नहीं था तो थोड़ा बहुत कमा लेते, बहुत कमा लेते, 400-500 रुपए नहीं खरीद लेते हैं बैटरी वाला रिक्शा? तो बैटरी वाला रिक्शा का गला ना चाहिए, 2 लाख रुपया अभी उसका दाम है, 1 लाख रुपया भर देंगे, 80,000 रुपया 50,000 रुपया भर देंगे तो लोन पर दे देगा। तो आपके पास 50,000 नहीं है? अभी तो 50,000 नहीं है। तो आप वो किराए पे नहीं मिलता है? मिलता है, 400 रुपया उसका किराया लेता है लोग, तो वो आधार कार्ड रहता है तब मिलता है। आपके पास आधार कार्ड नहीं? सब कुछ है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आई कार्ड, 4 चक्का का लाइसेंस, सब कुछ है। 4 चक्का चला लेते हैं जी? तो लाइसेंस से सब कुछ है तो कहे नहीं देता है? हम नहीं चलाते हैं, डर लगता है। कोई भी आदमी का 12 लाख 14 लाख कर गाड़ी लेकर जाएं, कोई बात मास अगर रास्ता में बैठा कर गाड़ी अगर छीन लेगा तो हम कहाँ से उसको भरेंगे, गरीब आदमी, मतलब छीनने के डर से। हाँ, छीनने के डर से, इसी के डर से, उसी के लिए हम नहीं चला। आज भी जो है कि बदमाश लोग घूम रहा है, मोदी सरकार भी और जो लगा दिए हैं लाइसेंस पर खतरा, जो तेज चलाओगे अंदर जाओगे 7 लाख रुपया दाम, 10 साल जेल। हाँ, इसलिए नहीं जाना है। हाँ, मान लीजिए जेल चले गए तो बाल बच्चों का, बीवी का फिर कौन खर्चा चलाएगा? कौन खर्चा देगा उसी के लिए? रिक्शे सही है हम लोग का, गरीब आदमी का, कमाओ दिन भर, कमाओ खाओ, शाम का अपना घर पे चले जाओ। भैया, तो मोदी सरकार के काम से खुश है आप? हाँ, हम खुश हैं। वोट किसको देना है? हम तो उसी कर देंगे, मोदी सरकार का। हाँ, मोदी सरकार का हम देंगे। भैया काफी ज्यादा खुश हैं, थोड़ा सा युवा हैं, आपसे कुछ बात करें। देखिए भैया गुटखा खाए इसीलिए, कुछ और रिक्शा वाले हैं, थोड़ा बात करते हैं। भैया थोड़ा सा आपसे कुछ, आपका क्या नाम हुआ भैया? हम नहीं, थोड़ा सा नाम बताइए। देखिए ये आप गलत समझ रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं। देखिए ये लोग, इन लोगों को गलत लग रहा है, कोई बात नहीं, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, लोग क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर के, ये चीज़ें हम आपको दिखा रहे थे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।